मेरी ट्रेन तेजगाम रेडी टू मूव है। आज मैं ट्रेन के इंजन में बैठ के सैर करूंगा। ट्रेन के इंजन में आ गया हूं। आप देखें वो ट्रेन आ रही है। ओए हाय हाय हाय, सब कुछ हाथ से ट्रेन ड्राइवर ऑपरेट करता है। क्या बात है, अमीन हफीज आ गए हैं तेजगाम ट्रेन की डाइनिंग कार में। ओए हाय 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 हाय, मुझे लग रहा है कि मैं किसी ट्रेन में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल के रेस्टोरेंट में आ गया हूं। जबरदस्त, खा लूं? आप खा लें? नहीं 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 नहीं, ये है तेजगाम ट्रेन की डाइनिंग कार में गर्मो गर्म खाने। ओए हाय हाय हाय, ओए पहली दफा हमारी बेटी ट्रेन में बैठी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तेजगाम ट्रेन लाहौर रेलवे स्टेशन पर। ओए हाय हाय, छिक 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 आ गई है। और अब यहाँ पर ये 15 से 20 मिनट क्या करेगी, फिर अमीन हफीज लाहौर रेलवे स्टेशन से मुल्तान तक आपको सैर कराएंगे और ये भी बताएंगे कि रेल का सफर महफूज भी है और आराम भी। ट्रेन लाहौर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई है। मुझे बताया गया है कि 15 से 20 मिनट तेजगाम ट्रेन यहाँ पर अभी क्याम करेगी और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। अभी वक्त है, मैंने सोचा कि नए लग्जरी बाथरूम जो बनाए गए हैं उनको ज़रा मैं यूज़ कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ। इन बाथरूम में जो रेलवे की हिस्ट्री में पहली बार लग्जरी बाथरूम बनाए गए हैं, क्या सहूलत है, मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये कैसा बाथरूम है जिसमें एयर कंडीशन भी ये देखिए लगा हुआ है। ऐसा जबरदस्त वॉशरूम है, मुझे तो लगता है मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पे नहीं किसी फाइव स्टार होटल में उसके वॉशरूम में आ गया हूँ। मैं देखता हूँ कि सब चीजें ऑपरेटिव है या नहीं। पानी आता है और इसमें भी देखो कि इसमें है या नहीं। वाह, ये भी देखिए, ये साबुन भी है और मैं अब हाथ धोता हूँ और हैंड ड्रायर भी यहाँ पर मौजूद है। क्या बात है, हाय 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 हाय, गर्म आ रही है, जबरदस्त। पाकिस्तान रेलवे के नसीबों में और रेलवे के मुसाफरों के पास ऐसा लग्जरी बाथरूम। हाय 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 हाय, कहते हैं कि बाथरूम इस्तेमाल करने के फी मुसाफर 50 रुपए लिए जाते हैं। वाह, जबरदस्त किस्म का, क्या लग्जरी बाथरूम है, आप खुद ही देख लें। एक बाथरूम तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं देखता हूँ दूसरा बाथरूम भी कैसा है। ओए 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 ओए, ये देखिए, ये कमोड भी है, मुस्लिम शावर भी है, सब कुछ है, लेकिन लोटा नहीं है। मेरी ट्रेन तेजगाम रेडी टू मूव है। मैं इकोनॉमी क्लास में बैठ के सफर करूं, मैं लोअर एसी में बैठ के सफर करूं, मैं एसी बिजनेस में या एसी स्लीपर क्लास में ट्रेन का सफर करूं, लेकिन मैंने सोचा इन कोचेज में तो सारे बैठ के सफर करते हैं, आज कुछ मुख्तलिफ हो जाए, तो मैंने फैसला किया है कि आज मैं ट्रेन के
इंजन में बैठ के सैर करूंगा। आप मेरे साथ में आ जाए आ जाए आ जाए। और मैं ट्रेन के इंजन में आ गया हूँ। ट्रेन ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी है। ये ट्रेन के ड्राइवर हैं। ट्रेन ड्राइवर की दूसरी जानब असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर होता है जो ट्रेन ड्राइवर की मुआवनत करता है। दुराने सफर। हम दुराने सफर ट्रेन ड्राइवर अब्दुल गफूर साहब से मीठी मीठी बातें करते हैं जो आपकी मालूमात में भी इजाफा करेगा। आप बताइए जी अब्दुल गफूर साहब, कितने अरसे से आप ट्रेन चला रहे हैं? सर ये 2009 से चला रहे हैं जी। हम 4 साल हमने मालगाड़ी चलाई है। अच्छा। 2 साल पैसेंजर गाड़ियाँ चलाई हैं। उसके बाद 2012 से अब तक जो है ये मेल एक्सप्रेस चला रहे हैं हम। आम ट्रेनें कितनी स्पीड से चलती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम? बस हमारी गुड्स ट्रेनें जो है वो 65 से 80 किलोमीटर तक चल रही हैं और जो मेल एक्सप्रेस है हमारी वो 105-110। कभी बारिश हो जाती है जी जी, कभी धुंध आ जाती है, तो आप ऐसे हालात में ट्रेन की फिर स्पीड वही रखते हैं या मोहताज चलाते हैं? मोहताज चलाते हैं। हमारा ये रूल है GR6 में के तहत कि जब व्यू हेड जो है ना ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए हम उसके हिसाब से अपनी गाड़ी कंट्रोल कर लेते हैं। ये जो इंजन है ये तो मैं समझता था इसमें कार की तरह हैंडल होगा, गोल हैंडल, वो आप उससे गाड़ी चला रहे होंगे, आपकी पाँव में रेस होगी, एक पाँव में ब्रेक होगी। ये इंजन तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चल रहा है, तो ये क्या तरीकेकार है इंजन की, जरा हमें तारीफ बताएं। ये लोकोमोटिव है जी, इसको लोकोमोटिव कहते हैं, विच हैज पावर ऑफ लोकोमोशन, जिसमें खींचने की ताकत हो। अच्छा। और ये ऑटोमेटिक पावर प्लांट है जो कि डीजल इंजन के ऊपर जनरेटर को करंट पैदा किया जाता है। हाँ। उसी करंट को फिर नीचे मोटरें होती है हमारी, हैवी फ्रिक्शन मोटरें होती है जी। उसको हम डिलीवर करते हैं करंट कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अच्छा। उसी एक्सल पे हमारी मोटर लगी हुई है और उसी एक्सल को हमारी मोटर चला रही है। जो इंजन है ये आपका जो रेस और ब्रेक है ये आपके हाथ में होती है जी जी। दुराने सफर ट्रेन ड्राइवर सो न जाए, क्या एहतियाती यहाँ पर ऑटोमेटिक इंजन में वो सहूलत रखी हुई है कि कोई ट्रेन हादसा ना हो। लेटेस्ट लोकोमोटिव आ गए, इनके अंदर विजिलेंस अलर्ट लगा हुआ है। सेम अच्छा। है वही चीज है लेकिन थोड़ी सी एनहांस हो गई है। अच्छा। मसलन क्या चीजें लगी है? पावर हैंडल हम कम ज्यादा करते रहेंगे, उसको रिस्पांस मिलता रहेगा, हॉर्न बजाते रहेंगे रिस्पांस मिलता रहेगा। ये अलर्टर लगा हुआ है इधर, इसको भी प्रेस करते रहेंगे तो ये उनको रिस्पांस मिल जाता है कि ड्राइवर अलर्ट है। मतलब अगर ड्राइवर 40-50 सेकंड या 1 मिनट इंजन के किसी हिस्से को हाथ नहीं लगा रहा, उसकी मूवमेंट नहीं कर रहा, तो सिस्टम ये समझेगा कि ड्राइवर सो गया है। जी जी। ऐसी हालत में इंजन का जो सिस्टम है वो क्या करता है? वो 10-40 सेकंड के बाद वो हमें वार्निंग देता है, अलर्टर करता है, अलर्ट करता है। अगर हॉर्न बजाता है जोर से जी जी। अच्छा। अगर 10 सेकंड और वक्फा देता है और ऑटोमेटिक ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है खुद ब खुद ही। ये आपने सुना, बड़ी अहम बात अब्दुल गफूर साहब ने बताई है कि ये जो ट्रेन इंजन है ड्राइवर इंजन के किसी सिस्टम को नहीं हिलाता, क्लच को, ब्रेक को, रेस को, हॉर्न को, तो खुद ब खुद ट्रेन का इंजन ऑटोमेटिक ब्रेक के जरिए रुक जाता है। असिस्टेंट ड्राइवर का नाम मिस्टर शाहिद है, हम इनसे बात करते हैं। शाहिद साहब आप असिस्टेंट ड्राइवर हैं जी जी। आपका क्या काम है दुराने सफर? दुराने सफर तो सबसे पहले यही काम होता है कि मैं नजर हुआ सिग्नल को वाच करना, सिग्नल को वाच करना और सिग्नल की कंडीशन को ड्राइवर साहब को बताना। फर्ज करें, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ड्राइवर को दुराने सफर नींद आ जाए या खुदा ना करे उसको कोई हार्ट अटैक हो जाए। जी जी। इंसान है ना जी जी, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में असिस्टेंट ड्राइवर क्या करता है? सबसे पहले जो है असिस्टेंट ड्राइवर का काम होगा इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा। अच्छा। ब्रेक लगाएगा, गाड़ी को कंट्रोल करेगा, उसके बाद फिर यानी के ड्राइवर की देखभाल जो भी होगा वो काम होता है। अच्छा, आप असिस्टेंट ड्राइवर हैं जी जी। दुराने सफर आप ही सो जाए तो आपको अलर्ट करने के लिए क्या सिस्टम है इंजन के अंदर?
दोनों को अलर्ट करने के लिए ड्राइवर साहब को और असिस्टेंट ड्राइवर साहब को इसमें विजिलेंस सिस्टम लगा हुआ होता है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा सिस्टम को तो आप ऑटोमेटिकली शट डाउन करवा देगा। शट डाउन तो नहीं, इसको ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। मतलब ट्रेन का सफर हमेशा से महफूज और आरामदेह था और आरामदेह और महफूज रहेगा। तो ट्रेन आ रही है और जबरदस्त किस्म की ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही है। इधर से हमारी ट्रेन जा रही है, सब कुछ हाथ से ट्रेन ड्राइवर ऑपरेट करता है और ट्रेन को रवाता है आपके लिए महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए। ट्रेन के इंजन में मैंने पुराने सफर ये महसूस किया कि जब ट्रेन चल रही होती है तो लोग ट्रैक के ऊपर से गुजरते हैं, ये बात मुनासिब नहीं है। तमाम शहरियों को चाहिए कि जब ट्रेन आ रही हो उस वक्त रेलवे ट्रैक से अबोर ना करें, ये आपके लिए खतरे की गारंटी हो सकती है। अब मैं इंजन के बाद मुसाफर कोचिस में आपको लिए चलता हूँ, इकॉनमी क्लास में, एसी क्लास में, एसी बिजनेस में, आप मेरे साथ आए। अब मैं आ गया हूँ ट्रेन की एसी स्लीपर क्लास में। ये पाकिस्तान रेलवे की जो मुख्तलिफ कोचिंग है ये उसकी प्राइम कोच है। क्या सहूलत होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ट्रेन की लग्जरी क्लास, मैंने आपको बताया एसी स्लीपर क्लास। आप यहाँ आते हैं, अपना सामान यहाँ पर रखते हैं। ये दो अफराद वाला कैबिन है, आप दिन के वक्त दोनों यहाँ बैठ जाते हैं और रात के वक्त एक ऊपर सो जाता है एक नीचे सोता है। और यहाँ पर आपको मिलता है अटैच बाथरूम। एक और बात मैं आपको बताऊँ, ट्रेन के इस डिब्बे में आप बैठते हैं, सीट को खींचे तो ये बन जाती है बेड। ये देखे इतनी बड़ी नशिस्त, ये देखे इतनी बड़ी नशिस्त, आप आराम से यहाँ सो जाते हैं। इस कैबिन की खसूसियत ये है कि आप यहाँ से इसको खोलते हैं तो ये एक और बेड आपको मिल जाता है। अब मैं आ गया हूँ ट्रेन की अकादमी क्लास में। ये वो क्लास है जिसमें आम लोग सफ़र करते हैं। इस जो कोच होती है इकॉनमी क्लास की, इसमें एयर कंडीशन नहीं होता, इसमें सिर्फ पंखे चल रहे होते हैं और इसके अलग से कैबिन भी नहीं होते। लेकिन जो फैमिलीज इकट्ठे एक जगह बैठती हैं वो इस तरह कोई ना कोई चादर डाल कर अपना अलग पोर्शन बना लेती हैं। और ये देखें, आप चाहे तो खिड़की के बाहर भी हाथ जाते हैं। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान साहब और कहाँ जा रहे हैं? मैं उकारा जा रहा हूँ सर। उकारा? हाँ जी। और उकारा जा रहे हैं तो इकॉनमी क्लास का सफर कैसा लगता है? सर गरीब बंदे के लिए ठीक है, लेकिन सहूलतें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। गर्मी में तो थोड़ी सी परेशानी होती है, पंखे वगैरह की कंडीशन नहीं होती है, तो विंडो की वजह से थोड़ा माहौल अच्छा हुआ है। मतलब आप चाह रहे इकॉनमी क्लास के टिकट में एसी लग जाए, ये चाहते हैं? हाँ जी ऐसे चाहते हैं। ये है हमारी कौम जो कहती है टिकट इकॉनमी की ले और सहूलतें एयर कंडीशन जैसी दे। क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? असद। असद, इतने प्यारे नौजवान हो और आप इकॉनमी क्लास में सफर कर रहे हो, आप जैसे प्यारे बच्चे को तो एयर कंडीशन होना चाहिए। टिकट इतनी महंगी है उसकी क्या करें। इतना महंगा तुमने मोबाइल रखा हुआ है और कहते हो कि मैं एसी का टिकट नहीं ले सकता। मोबाइल तो फिर अब्बू ने दिलाया है ना। अच्छा टिकट अम्मी से कहने था वो आपको एसी की टिकट अम्मी ने दी थी? नहीं ना, अम्मी नहीं दिलाई, लेकिन अम्मी ने तो मना किया था कि नहीं जाओ। अच्छा उन्होंने कहा इकॉनमी में जाओ ताकि मेरा बेटा हार्ड हो। वो जमाने की
हार्ड वर्किंग बने ना। क्या बात है, वैसे आपने हैंडल कितने की ली थी? ये मेरे 150 रुपए की ली है। 150 रुपए की? ये लगता है किसी पठान से इसने ली हुई है। हाँ, पठान से ही है। क्या बात है, ट्रेन का ये लोअर एयर कंडीशन डिब्बा है, मतलब इस ट्रेन में इकॉनमी और इस क्लास का फर्क ये है कि इसमें खिड़कियाँ बंद होती हैं, एयर कंडीशन लगा होता है, लेकिन इसमें लोअर एसी में अलग अलग डिब्बे नहीं होते, यानी कि कैबिन नहीं होते। अब मैं ट्रेन के एसी बिजनेस डिब्बे में आ चुका हूँ और यहाँ पर ये होता है कि 6-6 नशिस्तों पर मुश्तमिल एक डिब्बा होता है जिसका दरवाज़ा बंद होता है लेकिन अटैच बाथरूम नहीं होता। इन डिब्बों में मौजूद मुसाफर सफ़र के दौरान कैसी फीलिंग रखते हैं, हम बात करते हैं, हम इजाज़त लेते हैं, अगर कोई हमें इजाज़त दे दो। अभी हम नॉक करके इजाज़त लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, आपसे बात हो सकती है? जी जरूर। जी प्लीज, इन्होंने हमें इजाज़त दी है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सहर, सहर अब्बास। सहर अब्बास, सहर अब्बास जी बताइए, आप ट्रेन में अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, कैसा लग रहा है ट्रेन का सफर? बहुत मज़ा आ रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बड़े सालों के बाद हमने फैसला किया कि हम ट्रेन से सफ़र करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए आजकल बड़ा मुश्किल है कि ट्रेन में, बहुत ही एक रेयर सीन होता है कि बच्चे अब ट्रेन में सफ़र करें, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, अंदर आ जाते हैं और बंद करते हैं दरवाज़ा तो कंपार्टमेंट बंद हो जाता है और बहुत सेफ है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ भी अच्छा है। हाँ जी, हमारी बेटी बताए, पहले भी कभी सफ़र किया ट्रेन का या अभी किया? नहीं, पहली दफ़ा करी हूँ, पहले कभी नहीं किया। पहली दफ़ा हमारी बेटी ट्रेन में बैठी है। ट्रेन का सफ़र महफूज है, आरामदेह है, मज़ा आता है, कहीं कोई छोटी मोटी खराबी हामी हो हमें दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबका प्यारा वतन पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, अमीन हफीज आ गए हैं तेजगांव ट्रेन की डाइनिंग कार में। हाय 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 हाय, क्या डाइनिंग कार है, स्मार्ट टीवी है, एयर कंडीशन है, छत और उसका इंटीरियर देखे, वुड का सारा काम किया हुआ है, नशिस्तें देखे, ऐसे सोफा ही सोफा, जो मुसाफिर इधर बैठे हैं आराम महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं किसी ट्रेन में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल के रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। ये है डाइनिंग कार का बेसन, इसमें पानी भी आता है और इसमें ये जो साबुन होता है वो भी आता है, और उसके अलावा हाथ जब आप धो लें तो ये टिश्यू पेपर भी आता है। आए, क्या बात है, मुझे बताया गया है कि इस डाइनिंग कार में प्याक वक्त 30 मुसाफर बैठकर खाना खा सकते हैं और खाने हर किस्म के। ओए 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 ओए, अभी हम देखते हैं कि डाइनिंग कार वाले हमारे लिए क्या क्या कुछ लेकर आएंगे, फिर अभी हम ऑर्डर भी देंगे उनके साथ। अब मेरे लिए डाइनिंग कार में बैठते ही आ गया है वेलकम ड्रिंक। ठंड पड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारा मेन्यू कार्ड है सर, एक कढ़ाई कर लें, ठीक है, और एक बिरयानी, ठीक है, वो सिंधी बिरयानी सर, सिंधी बिरयानी कर लें। अच्छा, ये एक कर लें क्लब सैंडविच, ठीक है सर, एक वो जो बारबेक्यू प्लेटर टाइप होता है जी सर, जिसमें कबाब भी हो, टिक्का भी हो, आ जाता है हमारा मलाई बोटी भी है, रेशमी कबाब भी है, जो आप कहेंगे ये भी ले लें।
पुराने सफर अगर आपको ऐसा क्लब सैंडविच मिल जाए, ओए होए 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 होए, मजा ही आ जाता है। ये क्या बारबेक्यू है, जबरदस्त। खा लूं? आप खा ले? नहीं नहीं, ओए होए होए। मैंने ऑर्डर किया था कि मुझे क्लब सैंडविच चाहिए, चिकन कढ़ाई चाहिए, सिंधी बिरयानी भी, और ये लेग पीस भी, और बारबेक्यू प्लेटर भी। ये है तेजगाम ट्रेन की नई तज़ीन और रायशुदा टैनी कार में गर्मो गर्म खाने। ओए होए होए, और ये ओए होए होए होए, आए हाय आए हाय। कभी आपने सोचा कि ट्रेन में आप सफ़र करें और दुराने सफ़र आपको गर्मो गर्म बारबेक्यू भी मिल जाए, क्लब सैंडविच भी मिल जाए, जो आप मांगे आपको मिल जाए। इसको कहते हैं पाकिस्तान रेलवे ने तरक्की करना शुरू कर दिया। तरक्की तो होती रहेगी, मैं खाना शुरू करता हूँ। बात है, रोटी भी गर्मो गर्म, लगता है डाइनिंग कार में तंदूर भी है। हफीज भाई, क्या हाल है? मैं कैसे हैं, सिर्फ ठीक है। आप कैसे आ गए? बस मैं सर आज साथ ही जा रहा था गाड़ी के, ट्रेन के साथ ही बैठे हैं, हमारे साथ खाना खाएं। बिल्कुल, आप खाएं सर। थैंक यू। हफीज साहब, आपने तो दुराने सफर टैनी कार में ऐसे चस्कियों वाले खाने, बारबेक्यू, कढ़ाई, बिरयानी, ये जो सारा सिस्टम आपने रखा है, ये क्या मतलब है इसका? सर बस ये छोटी सी कोशिश है, वो दूसरे मालिक में आप देखते हैं रेलवे सिस्टम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ है। यहाँ पे भी जो है वो रेलवे की गुडविल के लिए जो है ये कदम है। बेसिकली हमारे चेयरमैन जो है सुमेल एंड कंपनी के, उनका ये था आइडिया, वो बस उसी को लेके हम आगे इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं। हमने पहले जो है उसमें, मुझे ये बताइएगा कि ये ट्रेन में ये जो सारी चीज़ें हैं ये गर्मो गर्म आप बनाते हैं? सर ये किचन आपका है, रॉ मटेरियल जस्ट स्टार्ट है, तो उसके बाद जो है जितना भी इसकी तैयारी है वो सारी ट्रेन में होती है। ट्रेन में ये फ्रेश बनता है। मतलब ये जो कबाब है ये मैं खा रहा था, इधर से मैंने खाया, इधर से आप खा के देखें। नहीं, प्यार से आए आए, ये देखें रेलवे की डाइनिंग कार के जो इंचार्ज है ख्वाजा हफीज, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम है, मैं हूँ अमीन हफीज, आप हैं ख्वाजा हफीज। ये जरा खा के देखें अपना खाना कैसा है। मजेदार है बिल्कुल सर, माशाल्लाह से। आप बताएं। मैं कहता हूँ मजा आ गया, अन्नी पड़ गई। ओए होए होए, ट्रेन की डाइनिंग कार में मन पसंद खापे खाने के बाद, ओए होए होए होए, मेरा जी चाह है कि अब हानेवाल स्टेशन आ गया है, यहाँ ट्रेन से उतर के थोड़ी चहल कदमी कर लूँ ताकि जो खाया है वो हजम हो जाए। वो जी वो, और अब मैं हानेवाल रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो मैं बचपन में यहाँ पर चावल, तड़के वाले चावल ऊपर चने डाल के हाथ में चाय का कप मैं लेकर खाया पिया करता था, अब मैं देखता हूँ कि आजकल हालात कैसे हैं। लाहौर से शुरू होने वाला तेजगाम ट्रेन का सफर मुल्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। मैंने आपको ट्रेन के इंजन की सैर कराई, इकोनॉमी, लोअर एसी, एसी स्लीपर और एसी बिजनेस क्लास के साथ साथ हमने तेजगाम ट्रेन की नई तज़ीनो आरायशुदा
डाइनिंग कार की भी सैर कराई और दिखाया कि रेलवे की डाइनिंग कार में क्या क्या खाने मिलते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप देखते रहे प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।